दोस्तों भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का हम फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। करवा चौथ के व्रत का आज महत्व हम जानेंगे। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार माना गया है हमारे हिंदू संस्कृति में। इस दिन व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। रात को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को सुख शांति व आयु कारक माना गया है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत क्यों रखा जाता है? मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन कहीं कहीं सुबह सुबह सरगी खाने का भी विधान है। इसके बाद दोपहर को पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है? तो सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके ज्योति जलाई जाती है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। निर्जला व्रत का फिर संकल्प लिया जाता है। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा करना अनिवार्य होता है। देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी ही हैं। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी अनिवार्य है। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखा जाता है। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ दिया जाता है। करवा चौथ की व्रत की कथा हम जानते हैं दोस्तों। एक साहूकार के सात लड़के थे और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के ने साहूकार का जो लड़का था उसने भोजन करने लगा तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। अब चलनी में दीपक रखने से उसका आकार चांद के जैसा दिख रहा था। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। भ्रम में जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जब तीसरा कौर डालती है मुंह में तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। एक साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ लोग अलग तरीके से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती सुनाती हैं। तो दोस्तों ये था करवा चौथ के व्रत रखने की एक पुरानी कहानी और कथा।
जिस पर आधारित आज भी लोग हर साल करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए। दोस्तों, ऐसे ही हमारी संस्कृति से, ज्ञान से, वेदों और पुराण से प्राप्त ज्ञान की जानकारी अगर आपको चाहिए और ईश्वर पर आधारित कथाओं का ज्ञान आप तक पहुंचती रहे, तो आप अभी कह रही हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।